जोरदार तालियां मुन्ना बैटरी के लिए। बस यही तो समस्या अपने देश की। आप सोच रहे कि मैं भूल गया? नहीं, मैं सोच रहा कि एक बार ताली बजाओ तो मैं शुरू हूं। थोड़ी सी इसकी आवाज और सेट कर देना, मेरी बिगड़ी हुई है। नहीं, इसमें हे करने वाली बात नहीं है। देश का धन निपट गया फोकट की मीटिंग में, छोरों का टाइम निपटा मोबाइल की चैटिंग में, संसद का सत्र निपट गया कांग्रेस की हुटिंग में, और कई कवियों की फाइल निपटी माइक की सेटिंग में। प्रणाम करता हूं आप सबको कि आप अपने निजी जीवन की समस्याएं और ढेर सारी इच्छाओं का त्याग कर इस कवि सम्मेलन के यज्ञ में अपने हास्य की आहुति देने के लिए यहां आए हैं। इंसान वही करता है जो उसके मन में आता है, इंसान वही करता है जो उसके मन में आता है। जीवन में लाख समस्याएं फंसी हो, लेकिन कवि सम्मेलन सुनने तो हर आदमी चला आता है। आप सबको चार्ज करने के लिए मेरे को पहले नंबर पर उतारा। घर होते तो खुद ही हो जाते, लेकिन यह सार्वजनिक तौर पे जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको चार्ज कर दूं, लेकिन नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोत्री के नाम से पड़ा है। मंदोत्री रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं, जिनको मारने के लिए भगवान श्री राम को धरती पर जन्म लेना पड़ा। तो आप किस खेत की मूली हो? लेकिन मैं चाहता हूं इस बड़े मंच पे आया हूं, कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूं। आदरणीय, आज मेरा सौभाग्य कि आदरणीय चौबे साहब के साथ मेरे को मंच साझा करने का मौका मिला। एक तो मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं कहीं से भी शुरू हो सकता हूं। पेमेंट में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि है भी नहीं तो फर्क पड़े क्या। लेकिन मैं चाहता हूं मैं कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूं। बहन साबिया जी असर ने आज इस मंच पर शुरुआत की, एक मुस्लिम कवित्री ने इस मंच पर शुरुआत करी। मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छी पंक्तियों से शुरुआत करूं। मैंने तो पहले भी कहा था, ये अपना हिंदुस्तान है, अपन सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। पेशावर में जब 125 बच्चों को जब मार दिया गया था, तब मैंने कहा था कि पेशावर में मारने वाले मुसलमान थे ही नहीं, क्योंकि वो मुसलमान होते तो उन्होंने कुरान पढ़ी होती, और कुरान पढ़ी होती तो वो इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करते। तब चार पंक्तियां आदरणीय साबिया जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। तो ये चौबे जी का चरण भी आ रहा है, मैं प्रणाम करता हूं साबिया जी के चरणों तक पहुंचाऊं कि कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया, कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया। अरे जिहाद की जिद में कुत्तों ने बच्चों का खून बहाया, अरे एक खरों से व्याकुल होकर आंसू जिनके गिर जाते थे, खून से लथपथ सौ बेटे का बाप ने कैसे उठाया। और तुझको हम कैसे समझाएं, दहशत के इस रास्ते पर इंसान इंसान को खोता है। अरे बच्चा चाहे हिंदू का मरे या मुसलमान का, दर्द तो हर बार इस सीने को ही होता है। लेकिन अपने को होता है, पाकिस्तान को होता ही नहीं है। बात तो मैं ये बता रहा था, दर्द अपने को ही होता है हिंदुस्तान वाले को, पाकिस्तान को कभी दर्द नहीं होता। उसने तो दूसरे दिन फिर एक आतंकवादी लॉन्च कर दिया, और उसने भी निकल के एक ही बात कही कि मैं जब चाहूं कश्मीर को खाली करा सकता हूं। तब चार पंक्तियां बाल ठाकरे की धरती पर खड़ा होकर देना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं हाई वोल्टेज पंक्तियों पर कि मेरी आवाज ज्यादा है आपके तालियों की आवाज ज्यादा है। देखना चाहता हूं हाफिज सईद ने कहा था कि हम जब चाहें कश्मीर को खाली करा सकते हैं। तब चार पंक्तियां देना चाहता हूं कि तेरी तेरी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब अब देंगे, बरसों से धधकती ज्वाला को शोलों में बदल अब देंगे। अरे तड़प रही है बंदूकें दुश्मन का लहू बहाने को, आया है मौका बरसों में गीदड़ को सबक सिखाने को। अरे सौगंध है हमें श्री राम की, जंगे मैदान में काम ही तमाम कर देंगे। और तू क्या कश्मीर छुड़ाएगा बुजदिल, हम पाक की रजिस्ट्री ही तिरंगे के नाम कर देंगे। कौन कौन चल रहा? नहीं, कौन कौन चल रहा? कोई नहीं चले, अभी उतर के बोल लू नट जा, बोले कल तो बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, फिर कभी चलेंगे।
ये भाई साहब इधर ताली बजा रहा, इधर उतर के पूछ लू नट जा, बोले पाकिस्तान की रजिस्ट्री की बात कर रहा, घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही। छोटा भाई साइन ही नहीं कर रहे, आपने तो घर के रांडी रोड़ा खत्म नहीं हो रहा, क्या पाकिस्तान की रजिस्ट्री कर रहा है? सही कह रहा, जितने लोग यहाँ बैठे हर आदमी के भेजे में कुछ ना कुछ समस्या फंसी पड़ी, इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे उनके समस्या, पीछे खड़े उनके समस्या, और सबके समस्या एक जैसी अपने तो हिंदुस्तान में। दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, घर फोफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा बाग उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू का कटिंग करानी, पिताजी के बीड़िया लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा दसवीं में फेल होता जा रहा, सुबह नल भी आएंगे, कचरू के मोसर में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही, ना गर्लफ्रेंड मौका ही नहीं दे रही, 50 तरीके की समस्या है। लेके बैठे यहाँ कवि सम्मेलन में आ गए, वहां तक इनकी समस्या खत्म नहीं हो रही, आगे बैठे तो कवि मातो खा, पाछे उभरे तो कवित्री नजर नहीं आ, समस्या कोई खत्म हो रही क्या अपने? अपने तो घर की समस्या खत्म नहीं हो, मैं तो हकीकत कह रहा हूं, बाएं भी ऊपर नहीं ले सकता ढंग से, नहीं तो अंदर से बनियान बाहर आ जाए, नहीं तो समस्या कोई खत्म हो रही। अपने तो जीवन की 50 तरीके की समस्या, क्या रजिस्ट्री करे? मैं अभी परसों पहले दिन भी कवि सम्मेलन में था, वहां मेला चल रहा था, तो मेले में मैंने वजन मशीन पे वजन तुलवाया, तो मशीन ने भविष्यवाणी करी कि आप 58 किलो है, कल तक आपको एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो मैंने बीवी को फोन लगा दिया, मैंने कल तक अपने को एक शुभ समाचार मिलने वाला है, तो बीवी बोली कि कल का क्यों इंतजार कर रहा है, अभी सुन लो, गैस की टंकी खत्म हो गई। अपने तो घर की समस्या खत्म नहीं हो रही, सही कह रहा हूं, गैस की टंकी खत्म हो जाए तो समस्या, शरीर में गैस बढ़ जाए तो समस्या, सरकार गैस के भाव बढ़ा दे तो समस्या, वो सिलेंडर घर पे आ जाए और मोदी जी कहता है कि सब्सिडी छोड़ दो, अपने तो समस्या खत्म नहीं हो रही। 50 तरीके की अपने जीवन में समस्या, बचपन से सुनता आ रहा हूं कि बंबई बहुत फास्ट शहर है, बंबई बहुत फास्ट शहर है, यहां आके पता चला कि वाकई फास्ट शहर है। मैं उतरा बॉम्बे सेंट्रल पे, सामान दादर में ही उतर गया, समस्या कहीं से भी आ सकती है, सही कह रहा हूं। मिश्र साहब मेरे को हमेशा कहते हैं तू बहुत बढ़िया पढ़ने लग गया मुन्ना, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को कभी भी विदेश जाना पड़ेगा, तेरा पासपोर्ट बनवा ले, तेरे को कभी भी विदेश जाना पड़ेगा। अब इनको कैसे समझाऊं, मेरा आधार कार्ड में ही फोड़े पड़ रहे अभी, वो फोटो खींच के गए आज तक नहीं आए। अपने तो जीवन की समस्या खत्म नहीं हो रही, सही कह रहा हूं। और मैं रात को 3 बजे मेरी वाइफ उठा के मेरे से पूछ रही है, बोले कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? हाँ, सबसे बड़ी समस्या आज हिंदुस्तान में हर आदमी पूछ रहा है, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, पर कोई एक पूछने को तैयार नहीं है कि याकूब ने 257 बेगुनाहों को बम विस्फोट में क्यों मारा। समस्या देखो, देश के कानून को तुम मजहब के चश्मे से देख रहे हो, अरे देश के कानून को तुम मजहब के चश्मे से देख रहे हो, अरे किसी अपने का खून बहता तो तुम्हें पता चलता तुम किसके लिए चिट्ठी भेज रहे हो। तो क्या करे, अपने तो समस्या खत्म नहीं हो रही हिंदुस्तान की, सही कह रहा हूं। ये सब मीडिया के खेल, और मीडिया ने अपने को हमेशा बताया है कि 1000 पुरुषों के ऊपर 915 महिलाएं बची है अब हिंदुस्तान में, यही बता रहा है मीडिया अपने को, 1000 पुरुषों के ऊपर 915 महिलाएं बची है। और जब इंद्राणी जैसी भद्र महिला इस समस्या का समाधान, सही कह रहे, इंद्राणी जैसी भद्र महिला इस समस्या का समाधान करने के लिए 5 पुरुषों से एक साथ शादी करती है, तो फिर मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है, इसने 5-5 से शादी करी, इसने 5-5 से शादी करी। अच्छा, इसमें भी इंद्राणी का कोई कसूर नहीं है, जब पहली सुहागरात चालू हो रही थी तो उस वक्त चौघड़िया में पंचक लगा हुआ था। समस्या कहीं से भी आए, मैं तो हकीकत कह रहा हूं, अपने तो समस्या खत्म नहीं हो रही है। घर में सो तो भूकंप का डर, बाहर सो तो सलमान खान का डर, रोड पे चलो तो हेमा मालिनी का डर, मतलब अपने तो जीवन की समस्या खत्म नहीं हो रही, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, जीवन की 50 तरीके की समस्या। लेकिन मैं इस बड़े मंच पे खड़ा हूं, चौबे जी बैठे हैं, आदरणीय जन साहब बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं, जीवन की अगर सबसे साक्षात समस्या रख दूं तो फिर हाथ खोलकर आशीर्वाद देना कि दुनिया में जीवन की सबसे साक्षात समस्या क्या है। बड़े बुजुर्ग लोग मेरे सामने बैठे हैं कि इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है आज वही समस्या से गिरा है, इस दुनिया में जिसने समस्या को हरा है आज वही समस्या से गिरा है। कौन समस्या से गिरा है? कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टिकी से बलाओं को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है मां बाप के सिवा जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं।